करेंगे क्योंकि जो हमारी रबड़ ब्रिक होगी, जो हमारी प्लास्टिक होगी, उसको भी हम लिगोस शेप का देंगे क्योंकि जो हमारी ब्रिक होगी वो भी लिगोस शेप की होगी, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो हमारा बेस होगा वो भी हमारे रबड़ का होगा, इससे हमारे क्या होगा, जो हमारे बेस मटेरियल जैसे हमारे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, जो जैसे हम लोगों को पता है कि काफी यूज अमाउंट ऑफ वैरायटी ऑफ प्लास्टिक है जो मार्केट में आ रहे हैं, पर हमें 99% ऑफ प्लास्टिक है जो कि वापस रिसाइकल होने पर जा रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए प्लास्टिक है वो कहाँ है, वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर ही है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज हम इसे कर सकते हैं, हम लोग रबड़ और प्लास्टिक को गैदर करके एक मशीन हमने इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि लिगो शेप देगी रबड़ को, उसमें हम क्या करेंगे रबड़ को मेल्ट करके हम लिगो शेप देंगे उसको। यहाँ पे हमारी एक मशीन है जिसका हमारा स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी मशीन है, यहाँ पे हम लोग एक रॉड है, हमारे पास 4 पिलर्स रॉड है, और यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट, यहाँ से हमारी पूरी मशीन कंट्रोल हुई, यहाँ से हमने कंट्रोल दिया मशीन को, और ये 2 कंटेनर्स है, यहाँ पे हम लोग मेल्टेड, यहाँ के थ्रू हमारा मेल्टेड रबर जाएगा, और इस ये जो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होगा ये, और ये इसको प्रेस करेगा और इन 2 शेप में ब्रेक ब्रिक को देगा, एक होगा होलो शेप में, एक होगा इस शेप में, जो हमारा शेप है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा लिगोस ब्रिक के ऊपर हो जाएगा, तो जब एक ऊपर एक कनेक्ट करते जाएंगे, और ये हमारा इसका एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट हमारा ये है, ये सर एक तरह से इसके अंदर फिट होने के लिए है। यस सर।